नहीं, ये कैसे मुमकिन है? हमारे पास तो सारी डिटेल है, ऑर्डर और रिसीविंग के सारे ड्राफ्ट हैं, फिर मैं अदालत से क्यों? नहीं देखिए, ये तो लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन जब मैंने इन टाइम ऑर्डर कंप्लीट करके दिया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया है, तो फिर मुझे अदालत में जाने की क्या जरूरत है? तो जी जी अच्छा पापा, क्या बात है, सब खैरी तो है? बेटा आज का दिन बहुत भारी है, कम से कम हमारे लिए। किसका फोन था अभी? इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट कराने के लिए बैंक से लोन लिया, अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, कुछ बताइए तो सही ना। स्टार एंड स्टार वालों की, उनकी कंपनी डिफॉल्ट कर गई है और बस समझो कि उनके साथ साथ हम भी डूब गए हैं। मगर पापा कैसे? हमारी हिमाकत, इतने थोड़े एडवांस के लिए हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अपना तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब ये सोचो कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए जो लोन हमने लिया है वो कहां से अदा करेंगे? तो क्या वो हमें बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेंगे? उनका कुछ बचा हो तो हमें पे करेंगे ना। We'll take them to court. और फैसला आने में कितना अरसा लगेगा और उस दौरान में हम क्या करेंगे ये सोचो। मुझे यकीन क्यों नहीं आ जाता कि ये सब कुछ हो चुका है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एमन बेटी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब चलो अपने कमरे में लेट जाओ। लेट के क्या करूंगी खाला भी, आंखें थक जाती हैं लेकिन नींद ही नहीं आती। यहां बैठकर भी तो रात नहीं गुजारी जा सकती बेटी, अंदर चलो कमरे में। दम घुटता है मेरा कमरे में, उस कमरे से जुड़ी सब यादें मेरे दुख में और इजाफा कर देती है। अंदर चल मेरी बच्ची, मैं तुझे दंग कर देती हूँ। खाला भी, अगर आपको नींद आ रही है तो आप चली जाए, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है, मैं खुद ही आ जाऊंगी थोड़ी देर में। आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ बात करनी तो है। क्या? इस वक्त तुम परेशान हो लेकिन बात है बहुत जरूरी, सुबह करेंगे। कौन सी बात?
अभी तुम चलकर आराम करो बेटी, सुबह बताऊंगी। अभी खामखाई परेशान हो जाओगी। जितनी परेशानियां मैं झेल चुकी हूँ, क्या उससे बड़ी को परेशानी हो सकती है खाला? हाँ बेटी, ये तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी। बात तो सही की तूने। चला ऊपर चलते, उठ उठ मेरी बच्ची। नहीं आपा, तूने साफ मना कर दे, मैं नहीं मानूंगा। पिक्चरी, मैंने कह दिया ना ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? एतबार नहीं है ना उन्हें मुझ पे, धोखा देके चला जाऊंगा ये कहना चाहते हैं ना वो? ऐसी कोई बात नहीं है शेरी। एक बात बता, तू बहन मेरी है और वकालत दूसरों की करती है, आखिर लगते क्या है वो तेरे? या वो सायरा की माँ तुझे राशन डलवा के देने लगी है जब से अनवर बाहर गया है? क्या हो गया तुम्हें? कभी तो सोच समझ के बोला करो। छोड़ आपा, यही बातें अगर तूने सुनाकर आई होती ना तो मेरे दिल में भी ख्याल आता कि और किसी को नहीं तो मेरी बहन को तो मुझ पे एतबार है। इसमें एतबार की क्या बात है? ठीक तो कह रहे हैं वो लोग। देखो 10-12 लोग इधर से होंगे, 10-12 लोग उधर से होंगे, इतना खर्चा आएगा तो मंगनी से बेहतर है कि निकाह कर लिया जाए। इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ तो निकाह भी क्यों करते हैं? शादी वलीमा सब कुछ इसी खर्चे में कर देते हैं, कंजूस ना हो तो। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो क्यों सर कपा रही है मेरे साथ? बेहतर यही था कि तूने साफ साफ कहकर आती कि मैं निकाह विकाह कुछ नहीं करूंगा। अगर मंगनी कर रहा हूं तो यही बहुत बड़ा एहसान है मेरा। और बता रहा हूं मैं, अगर 2 महीने के अंदर उसके भाई ने मेरा वीजा टिकट ना भेजा तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। तो क्या करोगे, उनकी बेटी से मंगनी खत्म कर दोगे? ऐसा कुछ कहा है मैंने? कुछ कहा है मैंने ऐसा? देख, ये मंगनी इसी शर्त पे हो रही है और सारा ने वादा किया मुझसे। बस ठीक है, मैं कल जाके उसकी मां से बात करती हूं और फिर बता दूंगी तुम्हें। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? डोंट बी सिली अहमद, यही वक्त है इस बात पर फौरन अमल करने का। मामा? हमाद, I think your papa is right. हमें जल्द से जल्द तुम्हारी और इमन की शादी कर देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमन इस बात के लिए इतनी जल्दी राजी होगी। आखिर अंकल आंटी की डेथ को टाइम ही कितना हुआ है अभी? बेटा यही तो टाइम है जिसको हमने कैश करना है। सब यही कहेंगे कि हम इमन बेटी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। इतना बड़ा घर है, वो अकेली है, अगर कोई उसको कुछ हो गया तो? तुम कल जाकर एमन को ज़हनी तौर पर तैयार करोगे और परसों हम दोनों जाकर प्रॉपर तरीके से उसकी खाला से बात कर लेंगे और 10 दिन में तुम लोगों की शादी हो जाएगी। क्यों सभी? जी जी बिल्कुल ठीक है, एमन को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। 2-4 माह बाद भी तो शादी करनी है ना तुम्हारी, तो फिर अभी क्यों नहीं? और अगर वो ना मानी तो? पागल हो गए, वो क्यों नहीं मानेगी? अगर वो जिद करेगी तो उसे मनाना तुम्हारा काम है। देखो अहमद, इस 1 महीने की अहमियत तुम अच्छी तरह जानते हो। पर पापा। देखो बेटा, हम सड़क पर आ जाएंगे, ये घर, बिजनेस, ऐश इशरत सब कुछ चला जाएगा, फुटपाथ पर आ जाएंगे हम लोग। और फुटपाथ की जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो कभी फुटपाथ पर पैदल भी नहीं चले हो। बेटा इस जिल्लत से बचने के लिए तुम्हें इन 25 दिनों में अमन को राजी करना होगा। दिवालिया होने से बचने के लिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ एमन ही है। समझ गया बेटा?
हाँ ये मैंने ही कहा था। तो फिर देखो, अगर मेरी नीयत खराब होती या मैंने तुम्हें धोखा देना होता तो क्या निकाह के बाद मुझे तुम्हें तलाक देना मुश्किल होगा? शरियार, हाँ हाँ, तो क्या मुश्किल होगा मेरे लिए? 3 बार निकाह नामे पर दस्तखत करूं या तलाक नामे पर? अगर इंसान की नीयत में फतूर हो ना, तो उसके लिए दोनों बातें बहुत मामूली हैं। लेकिन मेरा ऐसा इरादा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारे साथ संजीदा हूं, जिंदगी गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अच्छी आरामदेह जिंदगी, ऐसी कठिन कांटों भरी जिंदगी नहीं। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ, बल्कि मैं समझ चुकी हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारे बगैर आगे की जिंदगी का मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन अम्मी और अनवर भाई, हाँ तो समझाओ ना उन्हें। तुम खुद सोचो, निकाह के बाद अगर मैं सेट हो गया और खुदा ना खास्ता मेरी नीयत बदल गई और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो कौन सा रास्ता बचेगा उनके पास? पता नहीं होगा ना जिंदगी किस वक्त कहाँ पलटा खा जाए। तुम मुझे समझाओ कि इस जुम्मे को सिर्फ मंगनी ही काफी है, बस। मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? पता नहीं खाला भी, मेरा दिमाग इस वक्त माउफ हुआ है। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, ये जिंदगी बड़ी जालिम है, बड़े से बड़ा जख्म यूं भर देती है कि इंसान रेस के घोड़े की तरह दुनिया के कामों में फिर से जुट जाता है। खाला भी, आप इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रही हैं? आप साफ साफ बताएं बात क्या है। वो चला गया मुल्क से बाहर, और तुम्हारे अब्बा का सांझेदार, वही जो कल आया था तुम्हारा अंकल, क्या नाम है उसका, वो ताहिर मियां के साथ मिलके जो कारोबार किया करता। जी खाला भी। तो बेटा उससे बात करनी थी खुलकर। कौन सी बात? हाय कितनी ना समझो मेरी बच्ची, कैसे समझाऊं तुम्हें। खाला भी आप बात को घुमा क्यों रही हैं? साफ साफ बताएं बात क्या है। बेटा उनसे पूछना था कि तुम्हारे अब्बा क्या क्या कुछ छोड़कर गए हैं, कारोबार में कितनी मालियत का उनका हिस्सा था, आधा है तो कितना है, पौना है तो कितना है, इस घर के पक्के कागजात, बैंक में सोना चांदी और दूसरे असासे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात बेटी? लेकिन ये सब कुछ उनको थोड़ी पता होगा। उसे नहीं पता होगा तो और किसको होगा, तुम्हें है मालूम? नहीं। तो फिर कौन बताएगा बेटी? पापा के लीगल एडवाइजर शमशाद अंकल बता सकेंगे सब कुछ। तो करो उसे फोन, बुलाओ उसे घर और सारी बात पूछो। हेलो। हाँ हमाद, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? इतने दिन हो गए हैं तुम घर पे हो, कहीं निकली नहीं हो, कहीं बाहर घूमो फिरो। नहीं हमाद, मेरा दिल ही नहीं चाहता, तुम आ जाओ। तुम बस तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ।
5,000 रुपए? तो क्या 5,00,000 दूं मैं? मैं तो वैसे इन फजूल रस्मों के खिलाफ हूं। इंसान सीधा शादी करे, और सच कहूं तो ये मंगनी मंगनी हम जैसे लोगों के लिए किसी याशी से कम नहीं है। अब क्या करें भैया, ये तो दस्तूरे जमाना है। इसीलिए मैं इस सब के खिलाफ था कि सेट होने से पहले मंगनी शादी कुछ नहीं होना चाहिए। लग तो गई है तुम्हारी नौकरी। जाने दो आपा, दो चंद हजार रुपए की नौकरी, ये जितने पैसे हाथ में है इतने और डालो, और सच बताओ कि 10,000 रुपए में आज के महंगाई के दौर में एक अकेले आदमी का गुजारा हो सकता है? तो फिर वो खानदान को कहां से पालेगा? बस वो एक नकली अंगूठी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसमें से एक अंगूठी और एक सूट और जूते वगैरह ले लेना बस काफी है। ये सब चीजें इन पैसों में? ये पैसे नहीं, रुपए हैं, और करना तो इन्हीं रुपयों में होगा, क्योंकि मजीद ना कुछ मेरे पास है और ना उम्मीद लगाना मुझसे। तुमसे एक बात करनी थी शेरी। उधार मैं किसी से नहीं मांगूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। अब नहीं नहीं, उधार नहीं। वो जब से तुमने बताया ना कि बैंक का इतना कर्ज हमारे सर पर है, किसी वक्त भी कर्ज ख्वाह आ सकते हैं, तो यकीन करो कि मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। इसीलिए तो मैं ये कड़वा घूंट भर रहा हूं। क्या मतलब? ये सायरा वाला। सायरा अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। क्या कह रही थी आपा? वो मैं ये कह रही थी कि मुनिया का अच्छा कोई रिश्ता तुम्हारी नजर में हुआ तो बताना, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। मैं दफ्तर के काम से निकला था, सोचा तुम्हें पैसे देता जाऊं। खुदा के लिए इन पैसों को अपनी औलाद से बचा के रखना, वरना इधर उधर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। एमन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? आपको बता कर नहीं गई? ऐसी तो कोई बात नहीं, बता कर गई है, आती होगी। मार्केट गई है क्या? हम मात के साथ गई है, वो लेने आया था उसे, तो मैंने ही उसे भेजा है। मैंने कहा बेटी जरा बाहर निकलो, बाहर की हवा लोगी तो तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी, वरना तो घर में बैठे बैठे बोरी हो जाओगी। ऐ सुनो तो, अल्लाह किस तरह की लड़की है, ना आती का पता चला, ना बेगम साहिबा की जाति का। बड़ी देखी है मैंने ऐसी। एमन, तुम क्या कह रहे हो? हमार मैं नहीं कह रहा, मामा पापा की भी यही मर्जी है। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी नामुमकिन बात कर दी है? वैसे भी तो हम दोनों की शादी होनी थी ना। अंकल आंटी होते तो 6-8 माह में उन्होंने भी शादी कर देनी। 6-8 माह में, और इन दोनों की डेथ के 15 दिन बाद में? हमारा तुम्हें इन दोनों बातों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? तुम चाहते हो कि मैं अपनी मामी पापा की डेथ के 2 हफ्ते बाद? मैं प्लीज मेरी बात को गलत सेंस में मत लो। वैसे भी हम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। अंकल आंटी की डेथ के बाद इतने बड़े घर में तुम अकेली हो गई हो, सबको पता है कुछ भी हो सकता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मिस्टर हमाद आसिफ, मैं अपने घर में रहती हूँ, किसी जंगल में नहीं। परस्पर